एलसीएम ऑफ कंपाउंड नंबर। दोस्तों कंपाउंड नंबर कहें चाहे कंपोजिट नंबर कहें, संयुक्त संख्या जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे हमको 4 का निकालना है, 6 का निकालना, 8 का निकालना, 9 का हमको एलसीएम निकालना है, तो बेसिक तरीका से भी एलसीएम निकाला जा सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 तो डिवाइड लगेगा नहीं, उसको एज इट इज उतार देंगे। फिर 2 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 9, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे, 1 3 2 1 जा 2, 9, अब 2 का है ही नहीं तो 3 से लगाएंगे, 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 एक बार बच रहा है इसलिए नहीं लगाएंगे, 3 3 जा 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 1 जा 1 जा, तो 3 हो जाता है, 3 3 जा 9, 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 32 6 2 जा 72 हो जाता है। और दूसरा हमारे पास शॉर्ट ट्रिक जो है 4 6 8 9, इनका निकालना है, तो 9 का आ रहा तो 6 का 2 3, 4 का 2 इंटू 2, और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके 2 के लिए तो ये 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 है, 9 में हमारा 2 बार 3 आता है, तो इसका 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 9 72 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनका एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास कुछ नंबर ऐसे हैं, मेरे पास कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 4 8 16, जिनमें से जो बड़ा नंबर है बाकी सभी नंबर से डिवाइड लग जाता है, जिसमें बड़ा नंबर बाकी सभी नंबर से, छोटे जितने भी नंबर है सबसे डिवाइड बड़े नंबर में लग जाए, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाता है, मतलब तो 16 ही यहाँ पर एलसीएम हो जाता है। अगर ऐसा हो कि 2 4 6 और 8 मेरे पास एलसीएम है, तो अगर बड़ा नंबर में किसी 2 नंबर से डिवाइड या 3 नंबर डिवाइड लग जाता है, एक ऐसा नंबर बच जाता है जिसे डिवाइड नहीं लगता है, तो जिसे डिवाइड लग जाता है उसको काट देते हैं 2 4, जिससे डिवाइड नहीं लगता है तो बड़ा नंबर को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं मल्टीप्लाई करके, 8 के टेबल पढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे 8 है, 8 1 जा 8, 8 में 6 नहीं आता, 8 2 जा 16 नहीं आएगा, 8 3 जा 64, 64 में 6 से डिवाइड लग जाएगा, अच्छा 8 3 जा 24, 24 में 6 से डिवाइड लग जाएगा, तो इसका एलसीएम 8 3 जा 24 हो जाएगा दोस्तों। अगर हमें एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब टाइप 7 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर का एलसीएम, कि डेसिमल नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास नंबर 0.02 है, ठीक है, 0.02 है, 0.4 है, 0.08 है, ठीक है, और 0.16 भी है, 0.16 है, तो हमें इसका एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट कितना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है तो सबको 2 डिजिट करते हैं, यहाँ भी डेसिमल बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल बाद 2 डिजिट है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पूरा देते हैं डेसिमल बाद 2 डिजिट। तो सबसे पहले डेसिमल को हम लोग हटा करके समझते हैं क्वेश्चन को, तो मेरे पास नंबर आता है 16 2 14 8, अब इनका एलसीएम निकालते हैं, 14 को लिख सकते हैं 8 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2, ठीक है, और ये 2 है, तो 16 में 8 भी आता है 2 भी आता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचता है, तो इस 16 में 2 भी आता है तो ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 16 और 5, 16 5 80 आ गया, 16 5 80 आ गया, तो दोस्तों तो 2 अंक बाद डेसिमल डाल देंगे तो 0.80 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप एलसीएम निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जैसे 0.60, 0.12, 0.36 और 0.27, इसका एलसीएम निकालें और कमेंट करें आंसर को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो उसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसके लिए कोई फॉर्मूला आता है,
एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश का एलसीएम निकालिए और बाय में हर का एचसीएफ निकालिए, मतलब भिन्नों का हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2/3, 10/13 और 16/17 और 5/7, ठीक है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो ऊपर में जितने नंबर हैं उनका एलसीएम निकाल दीजिए, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो दोस्तों गौर से देखिए, नीचे में जितने भी नंबर हैं 3, 13, 17, 7 सभी प्राइम नंबर होते हैं, और हम पहले वाले वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ का बाकायदा बहुत सारा डिस्कशन पार्ट बाय पार्ट हो चुका है। अगर आप एचसीएफ नहीं निकालना जानते हैं, हमारे पिछले वाले एचसीएफ के जो वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप देखिए, अब तुरंत ही एचसीएम कुछ सेकंड्स में निकालना सीख जाइएगा। तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 2, 10, 16, 5 इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों 2 से डिवाइड लग जाता है 16 में, ठीक है, 10 से नहीं लगता है 5 से, तो 16 को लिख सकते, 16 में हमारा 2 भी आ जाएगा, ठीक है, और 10 में हमारा 5 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, तो इस 5 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इस 10 में गौर से देखिए, इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसमें ये भी 2 आ जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों बचेगा हमारे पास 16 × 5 = 80, इसका एलसीएम 80 हो जाएगा। अगर कुछ और से नंबर ले लेते हैं जैसे 2/4, 4/6 और हमारे पास नंबर है 6/8, अगर इनका हमको एलसीएम निकालना है तो हम लोग ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लें। तो 2, 4, 6 इनका एलसीएम निकालने पर, तो देखिए 2 से 6 में डिवाइड लग जाता है, 4 से 6 में डिवाइड नहीं लगता है, तो आगे बढ़ाएंगे 6 × 12, 4 से लग जाता है, मतलब 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4, 6, 8 में 1 तो नहीं, कोई अगर कोई फैक्टर कॉमन होगा तो 1 हो जाना चाहिए एचसीएफ, लेकिन यहाँ पर 2 से सब में डिवाइड लग जाता है, इसलिए 2 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, मतलब इसका आपका एलसीएम 6 आ गया। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक हालत में इंटीजर नंबर ही आपका एलसीएम आए, एलसीएम भी आपका फ्रैक्शन में आ सकता है। एलसीएम ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मान लिया जाए मेरे पास कुछ मिक्स फ्रैक्शन है जिनका एलसीएम निकालना है, तो गौर से देखिए नंबर 1/1, 1/2, 2/2, 3/2 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले से फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 1 = 2 + 1, 3/2, 2 × 2 = 4, 1 = 5/2, 3 × 2 = 6, 7/2। अब इनका एचसीएफ निकाल लीजिए ऊपर वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले में सभी प्राइम नंबर हैं दोस्तों, हम बता चुके हैं कि प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 5 = 15 और 15, 7 = 105, और 2 नीचे में सभी नंबर क्या हैं, सेम हैं, तो इनका एचसीएफ यही हो जाएगा। अगर सेम नंबर आ जाएंगे तो इनका एचसीएफ वही रह जाता है, 105/2 आ गया। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमें मिक्स फ्रैक्शन में देता हूँ, इनको आप निकालने की कोशिश करिएगा। जैसे 5 × 1/7, 2 × 3/7, 5 × 6/8, तो ये नंबर हैं जो आपको मैं होमवर्क के लिए दिया हूँ। अगर इसका आप एलसीएम फाइंड कर पाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में इनका एलसीएम दें, ये होमवर्क के लिए नंबर है। इस टाइप में दोस्तों डिस्कस करेंगे एलसीएम ऑफ नंबर विथ पावर या इंडिसेस। जैसे मान लिया जाए मेरे पास नंबर जो है पावर के टर्म में है, जैसे 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 6 है इंटू 5 है। दूसरा नंबर हमारे पास है 2 की पावर 2, 3 × 5 की पावर 2। तीसरा मेरे पास नंबर है 5 × 3 × 2 की पावर 8 × 7। तो दोस्तों अगर इस 3 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 की पावर 3 है यहाँ, ये 2 की पावर 2 है यहाँ, 2 की पावर 8 है। तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही हमारा सबसे पहले लिख लेंगे। एक बड़ा पावर ले लिए तो ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएगा, 2
टू रेज टू फाइव, टू रेज टू टू कैंसिल हो जाएगा। अब थ्री का पावर देख लेते हैं, थ्री का पावर यहाँ सिक्स है, थ्री का पावर यहाँ वन है, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री की पावर सिक्स, ये थ्री कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फाइव है, यहाँ फाइव स्क्वायर है, यहाँ फाइव की पावर थ्री है, तो छोटे पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा फाइव की पावर थ्री बच जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं सेवन बच रहे हैं, तो इसको सेवन को यूँ लिख दीजिए, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। अगर नंबर, ये तो हुआ पावर जब पॉजिटिव हो, अगर हमारा पावर निगेटिव हो, जैसे मान लिया जाए थ्री रेज टू माइनस वन, थ्री रेज टू माइनस टू, थ्री रेज टू माइनस थ्री, थ्री रेज टू माइनस फोर, अगर इनका हमें एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो सभी देखिए नंबर पावर माइनस में है, तो इसको लिखा जा सकता है वन की पावर थ्री, वन की पावर थ्री, वन बाय थ्री की पावर टू, इसी तरह वन बाय थ्री की पावर थ्री, इसी तरह वन बाय थ्री की पावर फोर लिख सकते हैं। तो देखते हैं जो सबसे कम पावर है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाता है, तो वन बाय थ्री यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर। हम जानते हैं कि माइनस में जो पावर कम रहता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है, तो ये तीन की पावर माइनस वन यहाँ एलसीएम हो जाएगा, गौर से देखिएगा। और एचसीएफ पूछा जाएगा तो दोस्तों यहाँ एचसीएफ जो हो जाएगा थ्री की पावर माइनस फोर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें एलसीएम और पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का एलसीएम निकालना हो, जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो ए बी सी नंबर में देखते हैं, ए से भी डिवाइड लग जाता है, इसको कैंसिल कर देंगे, ए बी से भी डिवाइड लग जाता है ए बी सी में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल का एलसीएम हमारे पास ए बी सी हो जाएगा। अगर नंबर यूं हो ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर सी, ए क्यू सी, ऐसे स्थिति में हम देखते हैं ए स्क्वायर, ए का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, एक ए का अधिकतम पावर तीन है, तो इसे रखते हैं और एक के न्यूनतम पावर को कैंसिल कर देते हैं, बी के अधिकतम पावर दो हैं, इसको रखते हैं न्यूनतम पावर को कैंसिल कर देते हैं, सी का अधिकतम पावर वन ही है, तो एक पावर रखेंगे दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों ए क्यू बी स्क्वायर सी। अगर हमारे पास नंबर इस तरह से हो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू, और मेरे पास इस तरह से नंबर हो ए माइनस बी, अगर ऐसे नंबर का एलसीएम निकालना हो तो गौर से देखिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं इसमें ए बी कॉमन आ रहा, तो इसको लिख लेते हैं ए बी, तो बचता अंदर में ए माइनस बी, क्योंकि ए बी से ए बी निकाल लिए तो अंदर में बच गया ए, और ए बी ए स्क्वायर से ए बी निकाले तो बच गया सिर्फ एक बी बच गया, एक ए निकाला एक बी निकाल दिया एक बी बच गया, इसको लिख दिया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइज फार्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए बी को ऐसे ही लिख देंगे, तो देखते हैं दोनों में जो कॉमन रहता है वो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, तो ए माइनस बी हमारा पहले कॉमन आता है, उसके बाद जो अनकॉमन है उसको भी लिखते हैं, जैसे ए बी हो गया, ए बी लिख दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो नंबर आते हैं वो हैं ए बी, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू, करने के बाद मेरे पास नंबर आते हैं ए की पावर फोर बी माइनस ए बी की पावर फोर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखा दोस्तों मैंने कि कैसे कि पॉलिनोमियल का एलसीएम भी निकाला जाता है, एलसीएम ऑफ लॉगरिथमिक नंबर। मान लिया जाए कि लॉगरिथम में मेरे पास नंबर हो, जैसे लॉग टू है, बेस टेन है, लॉग फोर है, बेस टेन है, लॉग सिक्स है, बेस टेन है, लॉग एट है, बेस टेन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम लोग एक लॉग में इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो वही बेस रखते हैं, और जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों।
ठीक है। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लॉग टू रह गया ठीक है ना, यहाँ टू लॉग फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, और लॉग का जो रूल होता है टू का जो स्क्वायर है ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो लॉग टू बच जाएगा। और लॉग सिक्स है, लॉग सिक्स को लिख सकते हैं लॉग टू इंटू थ्री ठीक है, बेस 10। और लॉग एट को लिख सकते हैं लॉग थ्री, टू की बेस, टू की पावर थ्री बेस 10। तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो थ्री लॉग टू आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल हो जाएगा लॉग थ्री का आएगा ठीक है, और एक लॉग टू टू का, तो लॉग थ्री और लॉग टू, थ्री लॉग टू एट हो जाता है, और हमारे पास और टू लॉग टू आ जाएगा ठीक है, टू लॉग थ्री लॉग थ्री आ जाएगा, तो लॉग एट इंटू थ्री आपका 64 हो जाता है, तो एलसीएम आपका लॉग 64 हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है और आपको एलसीएम सीख रहे हैं तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं उन उनके स्टडी ग्रुप में आप हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को फैलाएं, आपसे ये रिक्वेस्ट है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज